तो अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल सेंटर में रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर, कैपिटल ऑफ रशिया। और आपको दिखाते हैं यहाँ का पार्लियामेंट हाउस, क्रेमलिन, सेंट बेसिल चर्च। फैजल भाई बताएंगे यहाँ के बारे में क्योंकि ये अच्छे से बता पाए। होटल है जो यहाँ पे मॉस्को में सबसे महंगा होटल है इस टाइम पे। यहाँ पे धीरूभाई अंबानी भी रुक चुके हैं, यहाँ पे अजय देवगन भी रुक चुके हैं। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो हमारे हिंदुस्तान से आए हैं। वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ऊपर जिसमें झंडा लगा है, ये यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है, वो वाला ये यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है, मेन पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन। ये जो सामने स्ट्रीट है ये मॉस्को की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है, सबसे फेमस स्ट्रीट, इसको कहते हैं ट्वर्स्काई स्ट्रीट। तो बेसिकली स्ट्रीट है, आसपास दुकानें हैं, रेजिडेंशियल लोग वहाँ रहते हैं। वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो है हिस्ट्री म्यूजियम, इनकी हिस्टोरिकल चीज़ें उसके अंदर हैं। म्यूजियम सभी बंद हैं क्यू आर कोड की वजह से, तो हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे अभी हम अंदर जाएंगे मेन रेड स्क्वायर पे देखेंगे, तो ये क्रेमलिन है। क्रेमलिन बेसिकली फोर्ट को कहते हैं यहाँ पे। और ये खुद नया शॉपिंग सेंटर है जो मेन सेंटर में अंडरग्राउंड 3 लेवल पर बना हुआ है, और इस स्क्वायर को कहते हैं मनिया स्क्वायर। तो आइए आगे देखते हैं क्या क्या आपको अद्भुत चीज़ें दिखाते हैं। देखिए गाइस, फैजल भाई ने हमें सब चीज़ें दिखा दी हैं। फोर स्क्वायर होटल हमारे पीछे है, पार्लियामेंट हाउस भी हमारे पीछे है, अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पीछे का, और क्रेमलिन भी हमारे पीछे है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। सेंटर में आए तो ये सारी चीज़ें एक बार भी घूम लें। ये मेन प्लेस है मॉस्को की। आ चुके हैं क्रेमलिन के अंदर हम लोग, मतलब क्रेमलिन के बाहर हैं। और एक फेमस बिल्डिंग जो कि यहाँ की फेमस है, यहाँ पर फोटोग्राफी कराने में काफ़ी मज़ा आता है, सेंट बेसिल चर्च। ऐसा लगता है जैसे कि एक अलग ही दुनिया में आ गए हूँ। कहाँ गए? कितनी ज़्यादा बर्फ है यहाँ पे, बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है। Tanya will tell us about that place. Yeah, this is the Red Square, the main place in Moscow and in Russia. And Benny Barrett was here, like victory days we're spending here, New Year, everybody coming here. So this is the main place. Now you see, okay, they put a lot of decorations. This is the main place. देखिए क्रिसमस के लिए तैयारी हो चुकी है यहाँ पे, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, या विक्ट्री डे हो गया, इनका सबसे स्पेशल डे होता है विक्ट्री डे, वो सब यहीं पे सेलिब्रेट होता है। कोई भी इवेंट होना हो काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट का, या कोई भी एक कल्चरल प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब यहीं पे होता है। दिस इज़ द एरिया। वो सामने है सेंट बेसिल चर्च जो कि 500 साल पुराना है, 500 ईयर्स ओल्ड। तो दिस इज मॉज़ोलियम, लेनिन लेन, ये मकबरा है जिसे हम बोलते हैं लेनिन का, लेनिन द ग्रेट, जो कि रशिया के हिस्ट्री में इनका बड़ा नाम है। लेनिन वाज द गाय हु मेड द रिवॉल्यूशन इन रशिया, लाइक बिफोर इट वाज वेरी रिच पीपल एंड वेरी पुअर, ही मेड लाइक फॉर एवरीबॉडी एवरेज, बट ही वाज अगेंस्ट चर्च, ही वाज बर्निंग every church, and he killed a lot of people. That's why Russia become separate. Somebody like him, like he made a lot, to be honest, he made a lot, but many people don't like him. Okay. and by Russian rules, by Orthodox church rules, we should bury body like to the graveyard, yeah. And now somebody say that he's suffering because he is laying, and actually you can go and see how he's laying. So Tanya told us about everything, about revolution which Lenin started, aur Lenin kaisa tha unhone wo bhi bataya. Acha hai, this is beautiful, look at this, beautiful Christmas decoration, skating area. दिसंबर में है बट इनकी क्रिसमस की तैयारी हो चुकी है, देख रहे हैं आप, ये क्रिसमस की तैयारी है इनकी, क्रिसमस और न्यू ईयर की।
एक महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं लोग। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीट्स मिल रहे हैं, मतलब नॉन वेज में, जैसे डियर का है, हिरन का है, भालू का है, पिक्चर ऑफ बियर आल्सो देयर। देख रहे हैं भालू, हिरन सब खाते हैं, ओहो कबूतर, पिकॉक सबके हैं यहाँ पे मीट। हर तरीके के मीट खाते हैं यहाँ पे लोग। रशिया और सेंट बेसिल चर्च ना देखा, रशिया आके अगर सेंट बेसिल चर्च ना देखा तो क्या देखा आपने? देखिए मेरे पीछे एक खूबसूरत बिल्डिंग, 500 साल से ये चर्च यहीं पे बना हुआ है, बहुत ही डेवलप है। एक राजा ने यहाँ पे बनाया था इसको, ये देखिए। इसके बगल में है हमारा क्रेमलिन किला, फोर्ट पूरा। पीछे है लेनिन की कब्र, और ये है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन जैसा चिराग जैसा है ना, पीछे देखिए जैसी टाइप का सेंट बेसिल चर्च। बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस स्पॉट है, रेड स्क्वायर, मेन प्लेस ऑफ मॉस्को। यहाँ आइए और यहाँ मजे लीजिए, इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं है यार। रेड स्क्वायर इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम। कितनी भी देर यहाँ घूमते रहें, कितनी भी देर इसको निहारते रहें, इस बिल्डिंग को पीछे वाली को, आप देखते देखते आपकी आँखें चमक जाएंगी। सीरियसली यार, मन मोहित करने वाली बिल्डिंग है ये। और ये एरिया भी बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो लाइक जरूर करें। एक से तीन लोग कैसे हैं? इंडियन है ना, इंडियन वाली खड़े हो, ये दो दो निकल जाओ, दो इधर निकल जाएंगे। हाँ खड़े हो, भागो। ये हम लोग इस समय हैं रशिया के मॉस्को के मेट्रो में। बहुत पुराना मेट्रो स्टेशन है, मानेंगे नहीं आप, 80 साल पुराना मेट्रो स्टेशन है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। और ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ के, कितनी नीचे नीचे अभी आए हम लोग, इससे भी नीचे हैं, इतना भी आए हैं, इसके डबल ट्रिपल नीचे हैं। बहुत ही फेमस है यहाँ के, बहुत अच्छी कलाकारी की गई है यहाँ मेट्रो स्टेशन पे। ये रशियन मेट्रो है और हर चीज का हम स्वाद ले रहे हैं यहाँ पे आके, देख सकते हो आप टोटल रशियन मेट्रो। ये फैज़ल भाई ने बहुत बढ़िया हमारे लिए नूडल्स बनाए हैं, आज बहुत टायर्ड हो गए हम लोग। ताने और फैज़ल दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे को डिनर सर्व कर रहे हैं। सही कह रहे हो, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी देखिए कितनी अच्छी हो रही है, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी आज तक मैं नहीं कर पाया कभी। लुक्स लाइक टेस्टी। अब रखते हैं हम लोग, आप लोगों को गुड नाइट करता हूँ मैं आज के दिन के लिए। टेक केयर, कीप योरसेल्फ हेल्दी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी। बाय बाय। मोर देन एक्सपेक्टेशन।